हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम डीसी मोटर एसी सप्लाई से किस तरह रन की जाती है, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल डीमर की सहायता से किस तरह किया जाता है, डीमर प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह बनाया जाता है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक डीसी मोटर होने वाली है। इस डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल हमें डीमर की सहायता से करना है और हमारे पास जो एसी सप्लाई आ रही है इस एसी सप्लाई को हमें डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, डीमर प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो डीसी मोटर होती है उस डीसी मोटर में हमें आर्मेचर वाइंडिंग में भी सप्लाई देना होती है और फील्ड वाइंडिंग में भी सप्लाई देना होती है। नॉर्मली आर्मेचर वाइंडिंग में हमें पावर सप्लाई देना होती है और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें हमें कंट्रोल सप्लाई देना होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर अलग से बनाना होगा और फील्ड वाइंडिंग के लिए एक रेक्टिफायर हमें अलग से कनेक्ट करना होगा। तो इनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, पावर वायरिंग किस तरह की जाएगी, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें पुश बटन भी कनेक्ट करना होगा जिससे हम हमारी मोटर को स्टार्ट स्टॉप कर सके। दो हमने पुश बटन कनेक्ट किया, एक कॉन्टेक्टर हमने बेसिकली ऑपरेट करने के लिए कनेक्ट किया है और एक ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है ताकि जब भी हमारी मोटर ओवरलोड हो तो यहाँ से ट्रिप हो सके। सबसे पहले यदि हम डीमर की बात करें तो डीमर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फेज के लिए डीमर दिया गया है। नॉर्मली हमारे पास डीसी सप्लाई होने वाली इसलिए हम यहाँ पर इसके 2 ही टर्मिनल यूज़ करने वाले हैं। देख सकते हैं 2 ही पोल को हमें यूज़ करना है, कोई भी आप 2 पोल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो 1 फेज के लिए पहले हम कंट्रोलिंग समझ लेते हैं। देखिए डीमर कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। एक पर आपको सी नज़र आएगा, कॉमन नज़र आएगा, इस तरफ आपको A1, A2, A3 नज़र आएंगे और जो बीच में सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पर E1, E2 एंड E3 नज़र आएंगे। डिमर में कनेक्शन की बात की जाए तो जो कॉमन पॉइंट होता है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कॉइल होती है, कॉमन से एक कॉइल होती है और बीच में जो आउटपुट होता है वो बेसिकली कार्बन ब्रश के थ्रू जैसे जैसे हम इसे रोटेट करते हैं तो यहाँ पर रोटेट होता है। तो आउटपुट पॉइंट सेंटर का होता है ई वाला, कॉमन और ए में हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पावर वायरिंग की बात की जाए तो पावर वायरिंग हमारे पास MCB में यहाँ पर आने वाली RYB आप देख सकते हैं, यहीं से हमारे पास RYB यहाँ से हमारे पास मोटर स्टार्टर में आने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास RYB मोटर स्टार्टर में आ चुका है। बट हमारे पास क्या है, DC सप्लाई हमें बनाना है तो 2 ही फेज का यूज़ करना है। तो कोई भी 2 फेज आप इस ओवरलोड से जाओ आपके निकलेंगे RYB, तो यहाँ से आपको कोई भी 2 फेज को ले लेना है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो डीमर में कॉमन पॉइंट दिया गया है इस कॉमन पॉइंट को हमें लूपिंग कर लेना है, स्टार बना लेना है। देखिए यहाँ पर दोनों और जो भी 3 पॉइंट दिए गए तीनों को हमें यहाँ पे कॉमन कर लेना है। सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट है उसे हमें यहाँ पे शॉर्ट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें बेसिकली 2 फेज का यूज़ करना है, कोई भी आप 2 पोल यूज़ कर सकते हैं, हम फर्स्ट एंड थर्ड पोल को यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो यहाँ से R फेज जाने वाला है वह R फेज जाएगा और उस डीमर में A1 पे फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं डीमर में हमारा 1 फेज का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है और कॉमन को हमने पहले ही शॉर्ट किया है। यहाँ से Y फेज को 1 फेज हमें और लेना है, कोई भी आप 1 फेज ले सकते हैं। देखिए Y फेज को हमें लेना है और डीमर के थर्ड वाले टर्मिनल को हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड पोल में यहाँ पे देख सकते हैं A3 में कनेक्ट कर देना है। यदि आप सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो A2 में कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए डीमर में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं आप कॉमन को हमने शॉर्ट किया है और A1 में फेस कनेक्ट किया है। अब यहाँ से हमें आउटपुट मिलने वाला है, देख सकते हैं सेंटर वाले पॉइंट से। उससे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास पावर डायोड है, पावर डायोड का हम यूज़ कर रहे हैं। जितनी रेटिंग की आपकी मोटर होने वाली है उतनी ही रेटिंग का आपके पास डीमर भी होना चाहिए, उतना लोड बेसिकली बियर कर सके
और आपके पास ये जो पावर डायोड होने वाले हैं वो भी उतनी रेटिंग के होने वाले, ये बेसिकली 20 एम्पीयर तक का लोड ले सकते हैं। तो जितनी रेटिंग की आपकी मोटर हो उतनी रेटिंग का आप यहाँ पे डायोड कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर पावर डायोड में देखा जाए, डायोड में बात की जाए तो जो रिंग वाला साइड होता है ये हमारे पास एनोड होता है और पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर यह साइड हमारा कैथोड होता है और नेगेटिव होता है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे बेसिक यदि कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जहाँ पर भी सबसे पहले आपको इस तरह से जमा लेना है डायोड को, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है एक वायर की सहायता से। देखिए वायर की सहायता से हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर हमें क्या दे देना है, जहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है वहाँ पर हम हमेशा एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई या फिर एसी सप्लाई को कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ से हमें एक फेस को ले लेना है और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को हमने वायर की सहायता से पहले कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हमने एक फेस कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर भी सेम कनेक्शन होने वाला है। एक फेस और बेसिकली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में हमें सेकंड फेस को कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एसी सप्लाई या इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। ये रेक्टिफायर बनाने का सबसे बेसिक तरीका है कि जहाँ पर भी एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव आता है वहाँ पर हमें एसी सप्लाई कनेक्ट करना होता है, और जहाँ पर दोनों हमारे नेगेटिव कनेक्ट होते हैं वहाँ से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलती। ध्यान रखिए जहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं वहाँ से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलती है, और जहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं वहाँ से हमें नेगेटिव सप्लाई मिलती। तो इन्हें भी हमें यहाँ पर इस तरह से लूपिंग कर लेना है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वहाँ पर एसी सप्लाई कनेक्ट करना है, जहाँ से दोनों नेगेटिव मिलेगा वहाँ से हमें बेसिकली डीसी सप्लाई का पॉजिटिव मिलेगा, और जहाँ पर दोनों बेसिकली डायोड के देखा जाए या बेसिकली पॉजिटिव मिलेंगे वहाँ से हमें डीसी सप्लाई का नेगेटिव मिलने वाला है। ये काफ़ी बेसिक है। देखिए अब हमें बेसिकली हमारे पास जो मोटर है उसमें आर्मेचर का कनेक्शन यहाँ से करना है, और फील्ड वाइंडिंग के लिए हमने रेक्टिफायर एक अलग से कनेक्ट किया है जो कि सिंगल फेस का होने वाला है। देखिए आर्मेचर में यहाँ से देखिए फेज यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नॉर्मली नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव मिलने वाला है, पॉजिटिव हमारा आर्मेचर में जाने वाला है। आर्मेचर वाइंडिंग में पॉजिटिव कनेक्शन हो चुका है, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा तो यहाँ से नेगेटिव हमारा जाएगा और आर्मेचर में कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे आर्मेचर का कनेक्शन रेक्टिफायर के थ्रू हो चुका है, डीमर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन करना है, फील्ड वाइंडिंग के लिए रेक्टिफायर का भी कनेक्शन करना होगा। तो देखिए हमारे पास फील्ड वाइंडिंग के लिए देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कनेक्ट करना है। सबसे पहले रेक्टिफायर में आपको यहाँ पर गिवन होगा कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर हमें क्या सप्लाई कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एसी सप्लाई कनेक्ट करना, देख सकते हैं आमने सामने के जो टर्मिनल होने वाले हैं यहाँ पर हमें एसी सप्लाई कनेक्ट करना है 220 वोल्ट, और यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है। आप रेक्टिफायर पर देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमें यहाँ पर इन दो टर्मिनल में मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम इनपुट कनेक्शन कर लेते हैं एसी सप्लाई के लिए। तो आपके पास जो फेज़ यहाँ पर एक फेज़ बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर ओवरलोड रिले में एक जो फेज़ बचा हुआ है थर्ड टर्मिनल का, इस फेज़ को आपको यूज़ करना। देखिए हमें क्या करना है, एक सेपरेट फेज़ यूज़ करना है। ध्यान रखिए आप ओवरलोड से लीजिए या कहीं से भी लीजिए, बट फेज़ सेपरेट होना चाहिए। देखिए हमारे पास हमने थर्ड फेज़ को यूज़ किया है, इसे हमने एसी बेसिकली देखा जाए तो पॉजिटिव में कनेक्ट यहाँ पे एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए और न्यूट्रल हमें इस कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट करना है ऑपरेट करने के लिए। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, तो देखिए न्यूट्रल को हमें सबसे पहले लेना है यहाँ से आप देख सकते हैं, और न्यूट्रल को हमें यहाँ पर कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट कर देना है, और यहीं से न्यूट्रल हमें इस रेक्टिफायर में भी कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं रेक्टिफायर में हमारे पास इनपुट कनेक्शन हो चुका है एसी कनेक्शन। अब हमें आउटपुट कनेक्शन करना है, तो आउटपुट के लिए पॉजिटिव हमें यहां से मिलने वाला है, तो हमने यहां पर मोटर में इसे कनेक्ट कर दिया है फील्ड वाइंडिंग में। यहाँ से हमें नेगेटिव मिलने वाला है, तो नेगेटिव भी लेकर हमने फील्ड वाइंडिंग में कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन भी हो चुका है और फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें मोटर स्टार्टर को ऑपरेट किस तरह करना है इसके कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। आई होप आपको डीमर कनेक्शन समझ में आया हो, किस तरह रेक्टिफायर कनेक्शन किया जाता है। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए कंट्रोल वायरिंग काफी सिंपल है, हमें जस्ट यहाँ पर ड्यूल स्टार्टर बना लेना है। तो आप इन तीन फेज में से किसी भी एक फेज को यूज कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल फेज के लिए कंट्रोल हमने यहाँ से लिया है इस फेज को,
यहाँ से हमने क्या किया, इसे ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट किया है ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ से ट्रिप हो जाए और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाए। इस एनसी के आउटपुट से हमें ले जाना है और इसे दे देना है स्टॉप पुश बटन एनसी में। देख सकते हैं स्टॉप पुश बटन एनसी का आउटपुट हमारा जाने वाला स्टार्ट पुश बटन एनओ में। जैसे ही एनओ पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह जाके और ऑपरेट करेगा हमारे कॉन्टेक्टर को। देखिए कॉन्टेक्टर में अभी हमारे पास फेज आ चुका, न्यूट्रल डायरेक्ट आया था। तो जैसे इस पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है और इसके थ्रू हमारी मोटर रन होती है। हमें जितनी स्पीड पर रन करना है उतनी स्पीड पर हम यह बेसिकली डीमर को सेट कर मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जितनी देर के लिए हम बेसिकली पुश बटन को प्रेस करेंगे उतनी ही देर के लिए हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा। इसे परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई भी कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हम नॉर्मली जिस तरह हमेशा कनेक्ट करते हैं यहाँ से कॉइल से एनो में एक लूपिंग कर देते हैं, देख सकते हैं जिस तरह हम हमेशा होल्डिंग कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से होल्डिंग के लिए मैं तो एनसी के आउटपुट से या एनओ के इनपुट से सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं और इसे एनओ में कनेक्ट कर देना। जब हमारा स्टार्टर एक बार ऑपरेट होगा तो ये एनओ एनसी बनेगा और यहाँ पर हमारा स्टार्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक वायर कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर कॉन्टेक्टर में एनओ में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर होल्डिंग भी हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो डीसी मोटर को कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आर्मेचर के लिए कनेक्शन किस तरह किया जाता है, फील्ड के लिए कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डिमर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है आपकी मोटर का जितना लोड होने वाला है उतने लोड के हिसाब से आपके पास डिमर भी होना चाहिए और जो आपके पास पावर डायोड होने वाले हैं पावर डायोड भी उस रेटिंग के होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।